Hey guys, what's up? तो जो आपको ये स्क्रीन में अजीब सा लड़का दिख रहा है वो एक्चुअली में मैं ही हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं अपनी पूरी लाइफ में फर्स्ट टाइम एक एनिमे मूवी को थिएटर में एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ, तो क्यों ना एक व्लॉग ही बना देता हूँ, बट कैमरे के ना होने से प्लान कैंसिल हो गया। खैर, जैसा कि मैंने JJK 0 मूवी देखी ली है तो मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि पर्सनली मेरे को ये मूवी कैसी लगी, आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, क्या आप इस मूवी को बिना सीरीज देखे देख सकते हैं या नहीं। सबसे पहले हम थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ बेसिक स्टोरी प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं। जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं कि जुजुत्सु काइसन एक एनिमे सीरीज है जिसका सिर्फ अभी तक एक ही सीजन आया है, जिसमें शायद 24 एपिसोड होंगे। ये सीरीज अपने एनिमेशन के लिए पिछले साल काफी चर्चे में थी और उसके बाद ये जुजुत्सु काइसन 0 मूवी एक प्रीक्वल मूवी आई। आज है 30 जून, आज जुजुत्सु काइसन 0 मूवी इंडिया में लिमिटेड थिएटर में रिलीज हो रही है। भले ही हर जगह रिलीज नहीं हो रही है, तब भी कोई तो है जो हम एनिमे फैंस की सुन रहा है, जो एनिमे मूवी इंडिया में रिलीज कर रहा है। थैंक यू PVR, थैंक यू PVR। में इस मूवी की सीट बहुत स्पीड से फुल होने के बाद PVR ने सिनेपोलिस के थिएटर में भी ये मूवी अलॉट करवा दी। हर एक सिनेपोलिस थिएटर में नहीं मिलेगी, पर कुछ कुछ में करवाई है। मैं मूवी देखने से पहले कुछ ये सोच रहा था कि काश जो मैं इस मूवी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसा ही कुछ देखने को मिले। मैंने रील में कुछ वीडियोस देखी थी जिसमें गोजो का एक एक्शन सीन था जो देखने में बहुत ओपी लग रहा था। एंड इस मूवी में यूटा के बारे में दिखाएंगे। यूटा ही इस मूवी का मेन प्रोटैगनिस्ट है कि कैसे यूटा जिस लड़की से प्यार करता था उससे शादी करना चाहता था और वो आखिर कैसे एक जुजुत्सु सोर्सर बन गया। और तो और जुजुत्सु काइसन सीजन 1 में 4 से 5 बार मेंशन किया गया था कि यूटा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है JJK का। तो मैंने सोचा भाई मूवी तो काफी अच्छी होगी, फिर चलो देखते हैं, हम भी देखते हैं यूटा कितना पावरफुल है, कितना स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। और सिर्फ एक दिन का कलेक्शन देखे जुजुत्सु काइसन 0 मूवी का तो फर्स्ट डे का कलेक्शन में उसने डीमन स्लेयर को भी पीछे छोड़ दिया। इवन दो कुछ बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है कलेक्शन में, ये एक प्रीक्वल मूवी है, फिर भी मैंने इन सब फैक्टर को ध्यान में रखते हुए इस मूवी को देखने का डिसाइड किया था। प्लस जब से मैं एक टिपिकल एनिमे फैन बना हूँ उसके बाद एक एनिमे मूवी इंडिया के थिएटर में रिलीज हो रही है, तो ये इतना अच्छा मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं फर्स्ट एनिमे मूवी थिएटर में एक्सपीरियंस करने वाला था तो मैं बहुत एक्साइटेड भी था। अभी इसकी बेसिक प्लॉट के बारे में बात करें तो इस मूवी का मेन कैरेक्टर यूटा है, तो सारी कहानी यूटा के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। यूटा कैसे एक जुजुत्सु सोर्सर बना एंड जो इस मूवी का विलन था वो यूटा के पीछे क्यों पड़ा है और वो यूटा को मार के उससे कुछ लेना चाहता है। क्या लेना चाहता है वो तो मूवी देखकर ही आपको पता लगेगा। जो इस मूवी का विलन होता है वो वॉर डिक्लेयर कर देता है अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए। वो अपनी मंजिल हासिल कर पाता है या नहीं वो आपको मूवी देखकर ही पता लगेगा। अगर मैंने कुछ बोला तो स्पॉइलर हो जाएगा। इस मूवी का पूरा फर्स्ट हाफ यूटा की ट्रेनिंग में निकल जाता है, प्लस ट्रेनिंग के साथ साथ वो कुछ स्पेशल कर्स स्प्रिट का सामना करता है। एंड सेकंड हाफ वो पूरा वॉर पर बेस्ड है, सारे जुजुत्सु सोर्सर वर्सेस विलन और उसकी टीम। तो अब आते हैं मेन रिव्यू की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या आप लोग इस मूवी को बिना सीरीज देखे देख सकते हो। तो मेरा आंसर होगा हाँ, आप लोग इस मूवी को बिना सीरीज देखे भी देख सकते हो, क्योंकि कर्स स्प्रिट क्या होती है और इसको एक्सरसाइज कैसे करते हैं, जुजुत्सु सोर्सर क्या होता है, सब हमको इसमें लगभग लगभग स्टार्टिंग से ही बता देते हैं। आप बिना सीरीज देखे भी इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो, अच्छा खासा एंटरटेनमेंट मिलेगा आपको। अगर आप इस मूवी को देखने जाओगे और ये मूवी अच्छा खासा कमाएगी तो इस तरह हमको इन फ्यूचर और भी एनिमे मूवी इंडिया में देखने को मिलेगी। तो अगर आपने सीरीज देखी हो या ना देखी हो, अगर आपको मूवी देखना अफोर्ड कर सकते हो तो एक बार जरूर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। वैसे तो आप इस मूवी को बिना सीरीज देखे भी देख सकते हो, समझ आएगी भी, बट मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि अगर आप इस सीरीज को देख सकते हो, आपके पास टाइम है, तो आप इसको देखने के बाद ही मूवी देखना। आप लोग जुजुत्सु काइसन सीजन 1 एनिमे की एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देख सकते हो जो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। अगर आपको फुल्ली इस मूवी को एंजॉय करना है तो सीरीज देखनी तो पड़ेगी, क्योंकि कई बार मूवी में क्लैन के बारे में बात करते हैं कि वो वाला क्लैन, ये वाला क्लैन, तो कई लोग सोच में पड़ जाएंगे जिन्होंने सीरीज नहीं देखी, भाई ये कौन सा क्लैन है, वो कौन सा क्लैन है। एंड जो बहुत सारे सीन्स में जो फील होता है वो फील नहीं होगा अगर आपने सीरीज नहीं देखी है तो। पर जिन्होंने सीरीज देखी होगी वो ऐसा गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे होंगे, ओ भाई ओ भाई।
लाइक जब टोडो की एंट्री होती है तो सब लोग चिल्ला रहे होते हैं, पर जिन्होंने सीरीज नहीं देखी उनको पता ही नहीं होगा इसमें इतना क्या स्पेशल है भाई, ये कौन सा कैरेक्टर है। ऐसे ही जब गोजो अपनी आंखों की पट्टी हटाकर फाइट करता है सब लोग चिल्ला रहे होते हैं। बात करें इसके एनिमेशन की तो इसका एनिमेशन तो भाई ओपी था यार। जिन्होंने मूवी नहीं देखी और सीरीज को देखकर बोलते हैं कि जुजुत्सु काइसन का एनिमेशन बहुत बढ़िया है तो वो लोग एक बार जाके मूवी देखो। मेरे को सेकंड हाफ का एनिमेशन बेटर लगा इन कंपैरिजन टू फर्स्ट हाफ। मूवी का जो पूरा सेकंड हाफ था वो इतना बढ़िया था उसके एनिमेशन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। साउंड ट्रैक एकदम नॉर्मल थे। बात करें स्टोरी कैसी लगी तो मेरे को स्टोरी ठीक ठाक लगी क्योंकि मैंने इसकी मांगा रीड नहीं की थी और मुझे नहीं पता था कि पूरी मूवी में क्या होगा आगे, इसलिए मैंने इस मूवी को काफी अच्छा एंजॉय करा एंड काफी अच्छा एक्सपीरियंस था भाई थिएटर में एक एनिमे मूवी देखना। और जो ओवरऑल मूवी का इम्पैक्ट था वो पॉजिटिव था, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं जुजुत्सु काइसन का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ तब भी मुझे ये मूवी काफी पसंद आई भाई, अब तो मैं भी जुजुत्सु काइसन का फैन बन गया यार। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप इस मूवी को देखने जा सकते हो तो जरूर देखना, आपको भी मूवी पसंद आएगी, प्लीज जाके जरूर देखे ताकि इस तरह और भी एनिमे इंडिया में आए। मेरे को ये मूवी इतनी भी हिट नहीं हुई कि वाओ भाई मूवी तो डैम ऑसम है, एकदम लेजेंड मास्टरपीस है यार। हाँ मूवी अच्छी लगी पर लेजेंड मास्टर वाली कैटेगरी में नहीं है, मेरी कैटेगरी में तो नहीं है। अगर आप बहुत बड़े वाले फैन होगे तो आपकी जरूर होगी, इतना तो मैं कह सकता हूँ। इस मूवी को जैपनीज ऑडियो विद इंग्लिश सबटाइटल में रिलीज किया गया था और मैं डब प्रेफर करता हूँ, फिर भी मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई इस मूवी को देखने में। हाँ हालांकि कुछ लाइंस बहुत जल्दी जल्दी निकल गई बट पीवीआर में जितने भी लोग थे मैक्सिमम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इवन एक लड़की तो ऐसी थी जो कई बार बहुत स्पीड में सबटाइटल रीड कर ले रही थी जोर जोर से बोलकर, इवन मेरे पढ़ने से पहले भी, क्योंकि मैं मेन स्क्रीन को भी देखता हूँ भाई, सिर्फ हमेशा नीचे सबटाइटल थोड़ी रीड करता रहूंगा, फिर मूवी किस लिए देखने आया हूँ। इसलिए मेरे मन में एक बात आई, इस लड़की को मेरे बगल में बिठाओ। अरे लड़की है इसलिए मेरे बगल में बिठाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि वो सबटाइटल बहुत क्लियर एंड स्पीड में रीड कर रही थी। मैंने सोचा अगर ये मेरे लिए सबटाइटल पढ़ते तो मेरे को खुद रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल ऐसा फील होगा जैसे मैं सस्ता डब देख रहा हूँ इंग्लिश डब, पर काफी अच्छा ही रहेगा वो भी। यार अब तुम लोग मेरे को थर की मत समझ लेना, मैं कैसी बकवास कर रहा हूँ रिव्यू करने की तरह। आप लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, मैं रिव्यू के नाम पर क्या बकवास कहानी सुना रहा हूँ। अगर आपको कहानी ही सुननी है तो सुनो। थरकी तो मेरा दोस्त था जिसके बगल में एक लड़की बैठी थी, तो जब भी वो लड़की किसी सीन को देखकर हंस रही थी तो वो मेरा दोस्त भी हंस रहा था, जब वो चिल्ला रही थी तब वो भी चिल्ला रहा था एंड जब वो शांति से बैठकर मूवी देख रही थी तब वो बोर हो रहा था। और सबसे अमेजिंग बात तो मैंने ये नोटिस की कि इस मूवी को देखने के लिए सारे लोग 18 प्लस आए थे, कोई भी अंडर एज नहीं था, और तो और कुछ अंकल लोग भी आए थे। तो मेरे को ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ छोटे लोग ही नहीं आए, बड़े लोग भी एनिमे को देखने आए हैं। वैसे मेरे थिएटर में तो बच्चे लोग आए भी नहीं थे। कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें हमको कुछ न्यू कैरेक्टर भी दिखते हैं जिसमें से मेन प्रोटैगनिस्ट यूटा की कोई होती है, कौन होती है वो नहीं बताऊंगा क्योंकि पूरी मूवी उसी के ऊपर है। और कुछ चीजें जो मुझे इस मूवी में पसंद नहीं आई वो ये था कि कुछ लाइंस को बीप एंड सेंसर कर दिया था, जब कोई कैरेक्टर गाली या वैसी लाइन बात बोलता था तो उसको सेंसर कर दिया जाता था, मतलब कर दिया था। एक सीन था जिसमें एक कैरेक्टर यूटा से पूछता है कि उसकी क्या प्रेफरेंस है, ब्रेस्ट या बट, या लड़की का कौन सा फिगर में क्या पसंद आता है, तो उसको बीप कर दिया था। यार यही तो बहुत ऑसम सीन था, पर फिर भी उस सीन को फिर भी बीप करने के बाद भी मैं फील कर पाया, मैं नहीं पूरे थिएटर में जितने भी लोग थे सब जोर जोर से हंस रहे थे। और एक और चीज मेरे को ये लगी कि ये मूवी मेरे को बहुत छोटी लगी, आई डोंट नो व्हाई बट मेरे को छोटी लगी। मैं और देखना चाहता था, मैं चाहता था कि 2-3 घंटे तक और चलती रहे बस, क्योंकि इतना अच्छा एक्सपीरियंस था यार। आप लोग खुद ही सोचो यार, एनिमे को लोग कार्टून बोलते हैं और जब पूरे पीवीआर थिएटर में आप लोगों के साथ इतने सारे लोग हैं जो आपकी तरह एनिमे देखते हैं, उनके साथ बैठ के एनिमे देखना जोर जोर से चिल्लाना, क्या ही एक्सपीरियंस था यार। मैं इसको अपनी तरफ से 7 out of 10 रेटिंग देना चाहूंगा। IMDB ने इसको 7.9 की रेटिंग दी है। आप क्या रेटिंग देना चाहोगे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना।
मूवी के एंड में जुजुत्सु काइसन के फ्यूचर के बारे में भी हिंट दिया जाता है। अगर मैं उसके बारे में बताऊंगा और उसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो आपके लिए थोड़ा स्पॉइल हो सकता है, और मैं यहाँ रिव्यू करने बैठा हूँ, ब्रेक डाउन करने नहीं। तो इस वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में कई चीजों के बारे में बात की। तो अगर आप लोगों में से कोई ऐसा होगा जिसने ये मूवी देख रखी होगी और मेरे से कोई भी डिटेल मिस हो गई हो तो कमेंट में बताना मत भूलना, प्लीज कर देना कमेंट। देखो मुझे पता है मैं काफी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं, प्लस मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, उस पर भी वीडियोस डालनी पड़ती है। अगर आप मेरे दूसरे चैनल के बारे में नहीं जानते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जाओ और अभी चेक करो, उसको चेकआउट करना मत भूलना। अगर आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेते हो तो जब मैं इस चैनल पर वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ तो आप उस चैनल पर वीडियोस देख सकोगे। उस चैनल पर ऑलरेडी इतनी वीडियोस है, आप लोग उनको भी देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप जुजुत्सु काइसन के बहुत बड़े फैंस हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर करना मत भूलना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए मेरे दूसरे चैनल की वीडियोस देख लो।